सभी साथियों को नमस्कार। कौशाम्बी के मोहिदीनपुर गांव में दलित ट्रिपल मर्डर कांड का पूरा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जिन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और जब पूछताछ की तो पता चला कि इस पूरे कांड में 8 नहीं जबकि 11 लोग शामिल हैं। बाकी बताए गए लोगों को भी जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी। हम आपको बताना चाहेंगे आखिरकार में इन सभी बदमाशों ने इस बड़ी घटना को अंजाम की दिया और इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं ताजा अपडेट। आपको बताना चाहेंगे कौशाम्बी में हुई इस कांड का मुख्य साजिशकर्ता पीएसी का जवान सुरेश सिंह है, यानी कि वो खुद एक कह सकते हैं रक्षक है और उसी ने ही ये साजिश रची और इस भक्षक भरी घटना को अंजाम दिलाया। दोस्तों, सभी को हत्या कराने के लिए इसी पीएसी के जवान सुरेश सिंह ने उकसाया है। आरोपी दलित परिवार के गांव में बसने से काफ़ी नाराज थे और इसी नाराजगी को पीएसी के जवान ने बदले की भावना में बदलकर दलित ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम दिलवा दिया है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव आरोपियों से पूछताछ से जब की है तो 3 आरोपियों के और नाम सामने आए हैं जो वारदात के वक्त मौके पर ही मौजूद थे। इनमें जयकरण यादव, अनूप सिंह और तीरथ निषाद है। इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन्हें भी इस बड़ी घटना में शामिल होने के लिए अरेस्ट किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से 315 बोरहोल की राइफल प्राप्त की गई है। काफ़ी अवैध तवंचे हैं जो प्राप्त किए गए हैं, जिंदे कारतूस मिले हैं। हालांकि पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, सभी से पूछताछ की जा रही है और उन्होंने बताया कि आखिरकार इस घटना को उन्होंने अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे उनकी क्या वजह थी। S24 न्यूज़ लेकर आया आपके लिए संपूर्ण जानकारी विस्तार से। मोहिदीनपुर गांव में जिस स्थान पर दलित परिवार को जमीन का पट्टा मिला था, दरअसल उस जमीन के पास से कुरई गंगा नदी घाट से प्रस्तावित रामपथ गमन मार्ग हाईवे निकलने वाला है। साथ में पंडा चौराहे पर एक आईटीआई कॉलेज है। ऐसे में चलते हुए दलित परिवार की जमीन का भाव करोड़ों में था। ये सभी आरोपी पिछले 3 साल से उनको लगातार मेंटली भी टॉर्चर कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये परिवार इस ज़मीन को छोड़कर भाग जाए और वो ज़मीन उनकी हो जाए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। पिछले 3 साल से जब वो हार गए तो इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। करोड़ों की सरकारी जमीन दलित परिवार के हाथ में जा रही थी, जिसे आरोपी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और अब उन्होंने 14 सितंबर रात 12 बजे इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 11 लोग शामिल थे। हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेश सिंह, जो कि प्रयागराज में 42वीं बटालियन पीएसी का जवान है, और इसी ने 3 दिन इस हत्याकांड की योजना बनाई और फिर बाकी लोगों को समझाई। अफसोस की बात, एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद, साथ में एक रक्षक होने के बाद अपना आपा खो बैठता है मात्र और मात्र इस लालच की वजह से। दोस्तों, इसके बाद 15 सितंबर की रात करीब 12 बजे वो इस घटना को अंजाम देते हैं, जिसमें शिवशरण होरीलाल और उसकी बेटी ब्रजकली को गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। अफसोस तो यह है कि ब्रजकली उस समय 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट महिला को भी ये गोली मार देते हैं। इन्हें ईश्वर क्या कोई भी माफ नहीं करेगा। वैसे इनको सख्त से सख्त कड़ी सजा क्या होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए अब जान लेते हैं किस प्रकार ये इस बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। रात के 12 बज रहे थे, 12 बजे के बाद योजना के तहत अपनी इस घटना को ही अंजाम देते हैं। आपको बताना चाहेंगे झोंपड़ी के पास 4 आरोपी जयकरण यादव, यादवेंद्र यादव और अमित सिंह और अनूप सिंह पहुंचते हैं, जो इस बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। 12 बजे की बात है, शिवशरण और होरीलाल अपनी जमीन पर बनी झोंपड़ी के दरवाजे के बाहर तख्त और चारपाई पर सो रहे थे। वहीं ब्रजकली झोंपड़ी के अंदर सो रही थी और ये 4 आरोपी झोंपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वहीं अमर सिंह है, जो अपनी लाइसेंस की बंदूक लेकर गांव से बाहर खड़ा हो जाता है और झूठे ऊपर की तरफ आकाश में फायर करता है। ऐसा वो क्यों करता है, इसके पीछे भी बड़ी साजिश थी, क्योंकि पूरी तरह योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। बातचीत के दौरान सबसे पहले जयकरण
शिवशरण को सीने पर गोली मारता है। जैसे ही जयकरण शिवशरण को सीने पर गोली मारता है, उसी समय अमर सिंह गांव के बाहर एक राउंड फायर करता है ताकि लोगों को लगे कि अमर सिंह है जो ऊपर आकाश में फायर कर रहा है, किसी ने कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दिया और लोगों को पता तक भी ना चले। इसके पीछे अमर सिंह ने भी लगातार 5 से 6 राउंड फायर किए ताकि लोगों को ऐसा महसूस ना हो। दोस्तों, जयकरण शिवशरण की इस घटना के देने के बाद यादवेंद्र यादव भी होरीलाल के माथे पर गोली मार देता है। इन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर झोंपड़ी से ब्रजकली बाहर निकलती है और वो जो अनूप सिंह है उसको पकड़ लेती है। हालांकि अनूप सिंह उससे निपटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ब्रजकली उसे बुरी तरह झकड़ लेती है। ऐसे में अनूप सिंह भी ब्रजकली को गोली मार देता है। दरअसल ये गोली उसके गले से निकलते हुए सीधे पेट में जाकर फंस जाती है, जबकि मोर्चरी में यानी कि यूके हैं जब सबों का पोस्टमार्टम होता है, उस समय इसके पेट से गोली निकाली जाती है। दोस्तों, अफसोस तो इसकी बात है कि ब्रजकली उस समय 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और इस प्रेग्नेंट महिला पर इन्होंने गोली चला दी है, यानी कि इनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। और कड़ी से कड़ी सजा अगर इनको नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें नाकामी ज़रूर नज़र सामने आएगी। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, इस बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी पहुंचती है। कई थानों के यहाँ पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन सुबह जब ग्रामीण इस घटना को देखते हैं तो वो बेकाबू हो जाते हैं। मौजूद वहाँ पर आरोपियों को घरों को आग के हवाले कर देते हैं और वहाँ पर जो भी सामान रखा होता है उसको पूरी तरह राख में तब्दील कर देते हैं। तब तक पुलिस को ये सूचना मिलती है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचती है और उस समय लोग काफ़ी आक्रोशित होते हैं और इन सभी के शवों को रखकर दोस्तों पूरी तरह आंदोलन कर देते हैं, पूरी तरह विरोध प्रदर्शन करते हैं। हालांकि भारी मात्रा में जब पुलिस फोर्स पहुंचता है तो लोगों को समझाता है कि उन्हें ज़रूर न्याय मिलेगा और इस को लेकर लोग कुछ समझ जाते हैं और शवों को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें दोस्तों अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण करवा देती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय जो बड़ी आरोपियों के जो नाम हैं, आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो इसके पीछे मुख्य वजह हुई थी जो हमने आपको बताया था। चलिए हम आप आरोपियों के नाम भी आपके सामने रख देते हैं। इस घटना के मुख्य आरोपी पीएसी जवान सुरेश सिंह के अलावा अरविंद सिंह यादव, यादवेंद्र यादव, अजय सिंह यादव और गांव के पूर्व प्रधान अमर सिंह हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ये चारों ही आपस में रिश्तेदार भी हैं। इसके अलावा इस घटना में शामिल होने वाले अमित सिंह चौहान, अनु सिंह चौहान दोनों की दोनों सगे भाई हैं, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजेंद्र सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो 3 नए नाम सामने आए थे जिनके बारे में हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, जिसमें जयकरण यादव, अनूप सिंह और तीरथ निषाद हैं, इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, FIR दर्ज की गई है, जिसमें जयकरण तो मुख्य आरोपी था लेकिन दलित लोगों को इस पर पूर्ण विश्वास था कि वो इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते, इसलिए उनके खिलाफ आरोपियों ने नाम दर्ज नहीं कराया था, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी ने तो गोली चलाई है। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए H24 न्यूज़ के साथ।